हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरेश कुमार शर्मा और एक बार फिर से बहुत स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल पर। यदि आप रेल में यात्रा करते हैं या फिर आप कुछ दिनों में रेल में यात्रा करने वाले हैं या फिर आपका कोई रिश्तेदार या फिर आपका कोई घर में फैमिली मेंबर रेल में यात्रा करता है तो आपको आज हम बहुत ही बेहतरीन जानकारी बताने वाले हैं, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी बताने वाले हैं इस वीडियो के अंदर कि आपको केवल 1 रुपया देकर यदि आप ट्रेन में यात्रा करते हैं, रेल में यात्रा करते हैं भारत के अंदर, तो आप केवल 1 रुपया देकर अपना 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस करा सकते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। यदि आप रेल में यात्रा करते हैं भारत के अंदर, ट्रेन में यात्रा करते हैं, तो आपको 1 रुपया देकर केवल 10 लाख रुपए तक का आपका इंश्योरेंस किया जाता है। इस इंश्योरेंस के अंदर कैसे कैसे सुविधाएं मिलती हैं, कैसे आपको ये इंश्योरेंस मिलता है, कैसे आपको 1 रुपए में ये इंश्योरेंस खरीदना पड़ता है, सारी सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं। साथ में आपको बताएंगे कि यदि आपको कोई चोट लग जाती है ट्रेन में यात्रा करते हुए तो उसका कितना पैसा मिलता है, आपकी यदि कोई दुर्घटना में हाथ या पैर में कोई नुकसान हो जाता है तो उसका कितना पैसा मिलता है, या फिर किसी की मृत्यु हो जाती है ट्रेन में यात्रा करते हुए भारत के अंदर तो उसका कितना पैसा उसको मिलता है इस बीमा के अंदर। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसके अंदर बहुत मैं इंपॉर्टेंट जानकारी आपको दी हुई है। यदि आप ट्रेन में यात्रा करते हैं, आपके घर में फैमिली मेंबर या फिर कोई भी आपका रिश्तेदार या फिर कोई भी आपका दोस्त ट्रेन में यात्रा करने वाला है कुछ दिनों में, तो उसको ये जानकारी आप जरूर दीजिएगा इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड बटन को सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर, और यदि आपका कोई सुझाव हो इस वीडियो को लेकर तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। तो आइए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। रेल में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए 10 लाख रुपए का जीवन बीमा की सर्विस पहले भी शुरू की गई थी। पहले रेलवे की तरफ से ये सर्विस शुरू की गई थी 1 सितंबर 2016 को, यानी 1 सितंबर 2016 के बाद यदि कोई यात्री IRCTC की वेबसाइट पर जाकर टिकट बुक कराता था तो उस यात्री का केवल 92 पैसे लेकर 10 लाख रुपए तक का जीवन बीमा किया जाता था। लेकिन बाद में इस सर्विस को बंद कर दिया गया, लेकिन अब दोबारा से इस सर्विस को शुरू किया गया है। तो अब अगर कोई यात्री ई टिकट बुक कराता है तो उसे केवल 1 रुपया देकर 10 लाख रुपए तक का जीवन बीमा मिल जाएगा, यानी कि वो केवल 1 रुपया देकर 10 लाख रुपए तक के जीवन बीमे का लाभ उठा सकता है। यह योजना अभी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू की गई है। अब इसकी तारीख 31 अगस्त 2019 तक बढ़ा दी गई है। इस योजना के तहत ई टिकट बुक कराने पर अगर आपका टिकट कन्फर्म हो जाता है या फिर RIC में रहता है तो बीमा योजना का लाभ आपको मिलेगा। जैसे ही आप अपनी यात्रा शुरू करते हैं तो यात्रा शुरू करने वाले स्टेशन से लेकर यात्रा खत्म करने वाले स्टेशन तक आप इस जीवन बीमा योजना के लाभार्थी रहते हैं, यानी आपको इसका जो लाभ है वो मिलेगा। यहाँ तक कि ट्रेन में चढ़ने से ट्रेन से उतरने तक, अगर इस दौरान यानी ट्रेन में चढ़ने से ट्रेन से उतरने तक के दौरान कोई भी दुर्घटना होती है तो आपको योजना का लाभ 100% मिलेगा। योजना के अनुसार यात्रा के दौरान मौत हो जाने पर 10 लाख रुपए यात्री को मिलते हैं, यानी उसके घर वालों को मिलते हैं। स्थायी रूप से विकलांग होने पर 10 लाख रुपए मिलेंगे, और यदि स्थायी रूप से आंशिक विकलांग होता है तो उसे 7.5 लाख रुपए इस योजना के तहत मिलेंगे जब वो रेल में यात्रा कर रहा होगा या ये रेल में चढ़ रहा होगा या रेल से उतर रहा होगा। यदि किसी यात्री को रेल में चढ़ते उतरते समय या यात्रा करने के दौरान चोट लगने लगती है तो उसे उसके हॉस्पिटल का खर्च और साथ में 2 लाख रुपए मिलेंगे, और यदि उसकी इस दौरान मृत्यु हो जाती है तो उसका शव ले जाने के लिए और शव लाने के लिए 10,000 रुपए की मदद अलग से की जाएगी। में यात्रा करने वाले यात्रियों को इस सुविधा का लाभ देने के लिए रेलवे ने 3 बीमा कंपनियों के साथ करार किया है, लेकिन इस योजना का लाभ पूरी तरह से उन्हीं यात्रियों को मिलेगा जो ऑनलाइन या फिर ई टिकट बुक कराते हैं। यदि आप ऑनलाइन ई टिकट बुक कराते हैं रेलवे की तो आप इस सारी सुविधा का लाभ उठा सकते हैं, यानी कि आपका केवल 1 रुपया लेकर 10 लाख रुपए तक का जीवन बीमा किया जाएगा जब तक आप रेल में यात्रा कर रहे हैं या फिर रेल में चढ़ रहे हैं या रेल से उतर रहे हैं तो आपका ये बीमा चलता रहेगा। तो फ्रेंड ये थी सारी जानकारी कि आप यदि रेल में यात्रा करते हैं भारत के अंदर तो आपको कितना 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस किस तरीके से मिल सकता है, यानी आप 1 रुपया देकर केवल 10 लाख रुपए तक का बीमा ले सकते हैं, और किस किस तरीके से किस किस को किस किस दुर्घटना में कितना कितना पैसा मिलेगा, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दी। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो जरूर पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा जो भी ट्रेन में यात्रा करने वाले हैं या फिर यात्रा करते हैं।
ताकि उन तक भी जानकारी पहुंच सके। और यदि वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड बटन को, सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपसे ऐसी ही किसी बेहतरीन जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।